हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी ये ब्लॉग। ছিড়ি দেখাও। सो आज है अनुषा के स्कूल पे ऑटम पार्टी, जिसके लिए मैं अनुषा दोनों ही सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं। तो अनुषा को मैंने सूट पहना दिया है जो नया है, मैंने दिया था अनुषा के लिए। और आज इंडियन पहन के आने के लिए कहा था तो मैंने साड़ी और अनुषा ने सूट पहना है। वैसे भी मैं साड़ी पर्सन नहीं हूँ, पर पहनना पड़ा। सो अंदर जाने के बाद ना सब कुछ देख के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बना था। और मैम सभी का बिहेवियर, उन लोगों का इतना अच्छी तरीके से बात करना, सभी के साथ घुलना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा लगा है। हमने काफ़ी हद तक एंजॉय किया। तो यहाँ पे मैम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग फ़ोटो शूट करें, वो अपलोड करेंगे अपने पेज में, फेसबुक पेज में। और यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं मैम, और बाद में हमने सिंगल किया, उसके बाद अनुषा के साथ भी किया है फ़ोटो। सो फर्स्ट फ्लोर पे हमने फ़ोटो शूट वगैरह करके सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमें खेलना है बहुत सारा गेम। उनमें से ना मैं भी एक गेम जीती थी, बहुत ही अच्छा लगा था सभी के साथ। क्योंकि पहले पहले मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा था कि गाना वगैरह, अंताक्षरी और भी बहुत सारे गेम, मुझे डर लग रहा था। उसके बाद बहुत ही कंफर्टेबल हो गए सभी के साथ, सभी ने बहुत कोऑपरेट किए। सो बच्चे लोगों के लिए यहाँ पे लॉटरी सिस्टम रखा गया था, जिनमें से अगर वो चिट उठाते हैं तो अपने पसंद का जो भी चॉकलेट वहाँ पे हैं आप ले सकते हैं। तो अनुषा को भी यहाँ पे चॉकलेट मिला था, जो यहाँ पर ही वो फिनिश करके घर पे गई थी। এখানে আসো, এখানে আসো।
बच्चों के साथ साथ हम सभी ने भी बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया। और ये दिन मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, आई थिंक हर एक पेरेंट्स के लिए भी फर्स्ट टाइम ही होगा। तो साउंड को मुझे थोड़ा सा अजीब करना पड़ा, बिकॉज़ ना नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब में। और अभी टाइम है घर जाने की। मुझे लगा था इसके बाद शायद और कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया धुनुची नाथ के साथ। और दुर्गा पूजा हो तो धुनुची नाच तो होना ही चाहिए। इसके बाद नीचे धुनुची नाच करने के बाद हम लोग घर पर आ चुके थे। पहले मैं गई थी मार्केट, वहाँ से लेके आई हूँ मेरे कान्हा जी के लिए कपड़े। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटू सा जो है ना, ये जो हमारे घर पे नया मेहमान आए हैं, नए कान्हा जी, उनके लिए है। और उनके पास उनके लिए पर्टिकुलर बहुत कम थे कपड़े, तो ये एक लाई हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ ना, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये हमारे घर के लिए, हमारे घर पे जो कान्हा जी हैं उनके लिए है, बड़े वाले उनके लिए। और ये दो हैं, एक हमारे घर पे जो पहले थे और हमारे नए मेहमान के लिए। तो उनके लिए अभी 3 पेयर ऑलरेडी हो चुका है, आराम से मैं चेंज कर पाऊँगी। तो ये कुछ सामान लेके आई हूँ। और कुछ था खाती हूँ, वेट शायद आप लोगों को ठीक से ना दिखे, फिर भी मैं दिखाती हूँ। बहुत ही छोटा है ना, ये दिखाऊँ भी कैसे। 2 hours later तो ये है मेरे कान्हा जी के लिए इयररिंग। सो आज रात का जो डिनर है ना, उसमें मैं बनाऊंगी एग रोल, और सभी के लिए दो दो बनाऊंगी, सभी लोग खा लेंगे। आज रात का ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। और अनुषा के लिए तो मैंने ऑलरेडी राइस उसको खिला दिया है, डिनर उसका हो चुका है, बस हम चारों के लिए हो रहे हैं अभी। सच बताऊँ ये सब अभी हमारे घर पर पॉसिबल है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नहीं है, नहीं तो वो रोटी ही खाते हैं। ये सब खाना हम लोग अवॉइड करते थे, एटलीस्ट हम लोग शाम तक खा लेते थे, लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ भी चल जाता है रात के लिए। तो सभी का मन था, बहुत दिनों से बोल रहे थे, और अभी ना इस कुछ दिनों में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था घर पे रहने की। मैं हर टाइम कोशिश करने पे भी नहीं हो रहा था, कभी कभार मैं जा रही थी मेरी मम्मी के घर पर कहीं और, नहीं तो कहीं और। तो ये सब होते होते ना काफ़ी दिन हो चुके थे, तो आज टाइम मिला है। सो अभी मैं बना रही हूँ एग रोल के लिए पराठे, उसके साथ मैं एग को भी इसके साथ फ्राई करके रख दूँगी, जैसे एग रोल बनाते हैं। और इनके अंदर जो स्टफिंग है ना, उसके लिए मैंने अनुषा के पापा को बुला लिया है, वो अभी जस्ट कुछ ही देर पहले ही घर पर आए हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं पराठे वगैरह बना के रख रही हूँ, और उसके साथ अंडा भी मैं इसके साथ फ्राई कर देती हूँ, बस आप इसके अंदर का जो स्टफिंग है ना बना के दीजिए। तो देखिए वो आ चुके हेल्प करने के लिए मुझे।
तो आप में से बहुत को ये भी सोचेंगे कि रात को कोई एग रोल वगैरह खा के सोता है कि नहीं, बट हम लोग कभी कभार खा लेते हैं। और ये भी सोच सकते हैं एग रोल खाने के बाद भूख लगता है क्या नहीं, क्या है। मैं जब एग रोल बनाती हूँ रात के लिए, एटलीस्ट डिनर के लिए ना, तो डो जो होता है एक एक रोटी का, आई मीन पराठे का, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डो लेती हूँ क्वांटिटी में, जैसे रोटी की होती है उससे ज़्यादा, तो आराम से पेट भर जाते हैं। तो अभी बना रहे हैं अनुषा के पापा एग रोल, उसके बाद हम लोग इन्जॉय करेंगे। सो अभी डिनर बन चुका है, हम लोग इंजॉय करेंगे डिनर। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में। होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, इफ़ यू डिड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।